हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, जिसे हम हिंदी में शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति भी कहते हैं, इस टॉपिक की क्लास नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम जो है MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तब उसके बाद इसके जो MCQ क्वेश्चन है उसे हम कवर करेंगे। तो शिक्षण अभिरुचि जो होती है ये हमारी रिलेटेड होती है अभियोग्यता से, या आप बोल सकते हैं आपकी योग्यता। इसमें आप देख इसमें देखा जाता है कि आप में कितनी एबिलिटीज़ है टीचिंग करने की। ठीक है, और ये जो होता है ये आपके मतलब वंशानुक्रम से संबंधित होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, और आपकी जो एटीट्यूड है जिसे अभिवृत्ति कहते हैं, ये आपके रिलेटेड है कि आप अर्जित कैसे करते हैं, आपका दृष्टिकोण किस प्रकार का है। ठीक है, आप मान लीजिए स्कूल में टीचिंग करने जाएंगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, आप किसी चीज़ को समझेंगे किस प्रकार से या समझाएंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपका टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आगे चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, और ये क्लास नंबर 1 है, इसके आगे हम क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए है, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ऑप्शन बी है, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। ऑप्शन सी में भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है, कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो ऑप्शन ए जो है, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों में जो है एक एबिलिटी डेवलप करें ताकि वो क्वेश्चंस को पूछ सकें और उनके मन में जो है जिज्ञासा डेवलप हो सके। ठीक है, क्यूरियोसिटी को जो है डेवलप करेंगे आप। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, मतलब इसमें पूछा गया है कि सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर को जो है क्या करना चाहिए क्लास में। तो ऑप्शन ए है, उन्मुक्त वातावरण रखे। ऑप्शन बी में दिया गया है, छात्रों को नियंत्रित रखे। ऑप्शन सी है, उन्हें परंपराओं से ना हटने दे। ऑप्शन डी है, कक्षा कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, बच्चों को जो है उन्मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। यहाँ पर डी आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आप उन्हें क्या करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को उन्मुक्त वातावरण प्रदान करेंगे, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप थिंकिंग कीजिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करोगे। तो इसमें कॉरपोरेशन की बात हो रही है कि बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के सहयोग से सीखें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आगे देखते हैं। ऑप्शन ए है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कि मतलब कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो है कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप कोई कहानी बता सकते हैं। ठीक है, कोई कविता के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं कि कॉरपोरेशन कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑप्शन बी है, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, अगर टीचर मिलजुल के कार्य करेंगे तो उससे बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तो बच्चों से कॉरपोरेटिव वर्क करवाइए या फिर उसके जो है उदाहरण बताइए। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। और डी ऑप्शन है, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। महत्व से क्या होगा, महत्व से कुछ नहीं होता, उन्हें उदाहरण दीजिए या खुद करने के लिए प्रेरित कीजिए कि हाँ बच्चों को कार्य करवाइए कॉरपोरेटिव वाले। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऑप्शन ए है, स्वतंत्र रूप से विचार करना। बी है, विनयशीलता। सी ऑप्शन है, आज्ञाकारिता। और डी में बताया गया, परिश्रमी। तो ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना जो है बच्चे का सबसे अच्छा गुण है। ठीक है, इससे बच्चों में क्या होगी, थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट होगा, जो
लर्निंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, कोई से मतलब स्टूडेंट से है, ठीक है। तो अध्यापक को चाहिए कि वह मतलब अध्यापक इसमें क्या कर सकता है, जब अगर टीचर ने कहा कि अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए लेकिन बच्चा नहीं रख रहा। तो ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ है आपको, छात्र को अर्थदंड देंगे। उसके बाद बी ऑप्शन है, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। ऑप्शन सी है, कारण का पता करें। ऑप्शन डी है, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। तो दंड से टीचिंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दंड को हमेशा जो है इग्नोर करना है। और ऑप्शन बी में क्या कहा गया, उसके अभिभावक को सूचित। अभिभावक को सूचना क्यों देनी है, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ जो है किस तरीके से सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चा स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता तो हम उसके कारणों का पता लगाएंगे। तो ऑप्शन ठी सी जो है यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो छात्र कक्षा में निरंतर पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए उनके साथ। ऑप्शन ए है, दंडित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी में, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं। ऑप्शन सी है, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए इंस्पायर किया जाना चाहिए। हाँ, प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लगातार नहीं कर सकते। कुछ हद तक ये ठीक भी है, सी ऑप्शन, ठीक है। और डी 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 में बताया गया है, प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन ठीक सी जो है आपका यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, शिक्षक छात्र के लिए क्या है। तो ऑप्शन ए, पिता की स्थिति में होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। सी में, माता की स्थिति में होता है। और डी में, ये सभी। तो इन सब में बी जो है करेक्ट आंसर है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। एक टीचर को जो है एज अ फ्रेंड भी होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। छात्रों को अपनी मातृभाषा ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव देना चाहिए। बच्चों में जो है मदर टंग का डेवलपमेंट करने के लिए जो है टीचर क्या कर सकता है। तो ऑप्शन ए है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। ऑप्शन बी में, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। केवल वाले जो आंसर होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि आपको एक्सट्रीम में ले जाते हैं और ये उत्तर कभी भी ज़्यादा सही नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन सी है, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है कि बच्चों को जो है मातृभाषा के प्रयोग के अलावा जो है जो अन्य लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है बच्चा, उसको प्रयोग ना करने दें। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है, नहीं। तो इस हिसाब से जो है आपका सी आंसर जो है सही होता हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शिक्षक का वह गुण जो अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह क्या है। मतलब टीचिंग एक अलग सी एबिलिटी है, तो वो किससे अलग बनाती है टीचिंग को। तो ऑप्शन ए है, कर्मठता, मतलब उसका कार्य करने का तरीका वगैरह। ऑप्शन बी है, भाषण देने में निपुणता। ऑप्शन सी है, अध्ययनशीलता। और डी है, ये सभी। तो उत्तर ए, कर्मठता जो है एक टीचर को अन्य व्यवसायियों से जो है अलग बनाती है, ठीक है। भाषण तो कोई भी दे सकता है, एक व्यवसायी जो होता है कोई भी जो कार्य कर रहा है वो भी जो है लेक्चर दे सकता है, ठीक है। और अध्ययन जो है हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन टीचर में जो कर्मठता होती है वो अलग तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा का भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करनी है, तो कौन सा तरीका जो है इसमें इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो ऑप्शन ए है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन बी है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। और ऑप्शन सी है, उसके प्रयोगों के समर्थन। और ऑप्शन डी में आपसे कह रहा है, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है कि बच्चे को बिना टोके जो है अपनी बात जो है करने देना। ऑप्शन बी जो है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। आपको बच्चा जो अगर मान लीजिए मदर टंग यूज़ कर रहा है,
आपके स्कूल में, तो आपको उसे यूज़ करने देना है। धीरे धीरे जो है वो अपनी जो है लैंग्वेज को सीख जाएगा, स्कूली लैंग्वेज को, ठीक है। तो उसको अमान्य नहीं करना, उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्शन सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा आपसे, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, मतलब कक्षा जो है शांत कब रह सकती है। अगर नॉर्मल बच्चे की तरह या स्टूडेंट की तरह सोचेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि जब कठोर अनुशासन हो तभी क्लास शांत रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमेशा इनकरेक्ट होगा, आपको एक अच्छे टीचर की तरह सोचना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ऑप्शन, इसके अलावा ऑप्शन बी है, अध्यापक और छात्र में परस्पर सहयोग हो तब जो है कक्षा का वातावरण शांत रह सकता है। केवल छात्र का सहयोग हो, केवल छात्र के सहयोग से भी क्लास का एनवायरनमेंट जो है शांत नहीं रह सकता। ऑप्शन डी है, मनोरंजक कहानियां सुनाई जाए। मनोरंजक कहानियां से क्या होता है, बच्चे थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, जब कहानी ख़त्म होगी उसके बाद फिर शोर करने लगेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग जब रहता है तब क्लास का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी अच्छा होता है। इसमें टीचर अच्छी तरीके से टीचिंग करता है, बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्लासरूम में एनवायरनमेंट जो है काफ़ी अच्छा होता है और माना भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्यों? इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब आपने देखा होगा कि स्कूल्स में शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं बच्चों को, उसका प्रबंधन क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है, अभिभावक को प्रसन्न होते हैं, नहीं, पेरेंट्स को हैप्पी करने के लिए थोड़ी ना टूर या ट्रिप वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाती है। ऑप्शन बी है, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है, ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन सी है, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है कि अध्यापक जो है कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं इसीलिए ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की जाती है। ऑप्शन डी है, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, ये जो है काफ़ी अच्छा उत्तर है कि डी जो ऑप्शन है। इसमें बच्चे जाएंगे ट्रिप पे तो उसमें जो है वो नेचुरलिस्टिक तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। इसके अलावा अगर प्रदर्शनी में गए हैं बच्चे तो उसको देखते हैं और उनसे जो है रियल एक्सपीरियंस जो है प्राप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती। निबंधात्मक मतलब ऐसे टाइप, मान लीजिए आप क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं पूरा, तो ये विश्वसनीय क्यों नहीं होते हैं? इसका रीज़न ये है कि इसमें मान लीजिए आपने एक उत्तर लिखा और मैंने एक उत्तर लिखा, तो दोनों के उत्तर में डिफरेंट होगा, ठीक है, दोनों के उत्तर में डिफरेंशिएशन होगा। और इसमें ना एकदम करेक्ट करेक्ट उत्तर नहीं लिखा जाता, आप अपने विचार लिखेंगे, मैं अपने विचार लिखूंगा, इसीलिए जो है ये विश्वसनीय नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है देखते हैं। ए में कहा गया है, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल, इसके परिणाम जो है सदैव समान नहीं होते, ना आपका उत्तर समान होगा ना मेरा उत्तर समान होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल डैश काल है, तो इसमें ए उत्तर में कहा गया, कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, और डी ऑप्शन है, निरपेक्ष है। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल है वो अति संवेदनशील का काल है, क्योंकि इसमें बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। और आप अगर डीएलएड में जाएंगे तो आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे। नोम चॉम्स्की नाम के भाषाविद ने ये जो है कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप जब डीएलएड करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, शारीरिक परिश्रम के द्वारा बच्चों का जो है अधिकतम विकास होगा। ऑप्शन बी है, मानसिक कार्यों द्वारा। जी बिल्कुल, मानसिक कार्यों यानी मेंटली जो है हम कार्य करते हैं। मान लीजिए आपकी चाबी खो गई,
तो आप क्या करते हैं? कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, आप सोचते हैं मेंटली कि यहाँ रखी थी, यहाँ गया था, वहाँ रख दी होगी चाबी। तो मेंटली जो हम कार्य करते हैं उसके द्वारा जो है सबसे अच्छा जो है विकास होता है। इसकी बात जो है ब्लूम ने भी की है, B.S. ब्लूम, ये एक मनोवैज्ञानिक है। इनका भी कॉन्सेप्ट आप DLED में ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आए हूँ। अभी तो थोड़ा सा इजी लेवल है, धीरे धीरे जैसे जैसे नए और वीडियोस बनेंगी धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है? तो B.O. यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? मतलब आपका जो सोशलाइजेशन बच्चों का होता है उसके लिए जो है कौन सा एक कारक है? एक कंप्यूटर? नहीं, कंप्यूटर के द्वारा बच्चों का सोशलाइजेशन कहाँ होता है? सोशलाइजेशन के लिए तो दो लोगों या दो से अधिक लोगों में बातचीत का होना जरूरी है, ठीक है? ऐसी जगह जहाँ पर कई लोग या दो लोग, दो से अधिक लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने जो है जानकारियाँ साझा करते हैं, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन है, B.O. है, अनुवांशिकता के द्वारा जो है एक कारण है समाजीकरण का, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है राजनीतिक दल, ठीक है? राजनीतिक दल भी एक प्रमुख कारण नहीं है सोशलाइजेशन का। परिवार, परिवार जो है प्राथमिक कारण है सोशलाइजेशन का, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? बच्चों को आप नॉलेज तो दे रहे हो, इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें आप सिखा सकते हैं? कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना, ये भी आप सिखाएंगे बच्चों को। इसके अलावा ऑप्शन बी है, विपरीत परिस्थितियों में संयम व संतुलन ना खोना, ये भी आप बच्चों को सिखाएंगे। ऑप्शन सी है, समय का सदुपयोग भी जो है बच्चों को आप सिखाएंगे। तो ये सभी जो है आंसर करेक्ट है, ठीक है? तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आधार है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है वो किस आधार पे दी जाती है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिक अंतर, ऑप्शन बी है बाल अधिकार, ऑप्शन सी में आप दिया गया बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009, ऑप्शन डी है सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों को जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा, क्यों? उसको मतलब बच्चों में आपको व्यक्तिक अंतर देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व अंतर से मतलब है कि उसमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, कोई बच्चा किसी तरीके से अलग है, कोई बच्चा अलग तरीके से अलग है, ठीक है? हर व्यक्ति में जो है डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और उन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है टीचिंग कराई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। और बाल बाल अधिकार, तो हाँ बाल अधिकार को देखते हुए एजुकेशन की जाती है, लेकिन वो सभी बच्चों को किया जाता है, लेकिन मेनली इसका जो आंसर है वो व्यक्तिगत अंतर को देखते हुए जो है टीचिंग की जाती है, ठीक है? और इसी के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन को प्लान किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक, तो इसमें टीचिंग जो है आपका, टीचिंग एंड लर्निंग जो है आपका काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। किससे? शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। बिल्कुल सही बात। जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे DLED में, तो उसमें पूर्व ज्ञान लिया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके टीचर जब पढ़ाते थे तो पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते थे कि आपको कितना जानकारी है। तो यहाँ पर भी जो है यही पूछा गया है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जहाँ से विद्यार्थियों ने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 4th में वो कुछ पढ़ के आए हैं, तो क्लास 5th में आप क्या जब पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले क्लास 4th ने उन्होंने जो भी चीज़ें पढ़ी है उसके बारे में पूछेंगे आप। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? और ये आज हमने जो है 20 क्वेश्चन को किया है,
धीरे धीरे हम और वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहें और इसका आंसर आप जो है खुद देंगे कमेंट सेशन बॉक्स में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू सो मच।